हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में भी दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों व्योम एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करें एंड दोस्तों व्योम एप्लीकेशन चालू कैसे करें एंड दोस्तों व्योम एप्लीकेशन अगर आपका लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है एंड दोस्तों आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो फाइनली इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा एंड दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है एक ही वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो फाइनली जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर सम कनेक्टिविटी इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑथराइज इज फेल्ड, प्लीज रिट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। देन कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, समथिंग प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो फाइनली अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आपके सामने भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, यू हैव एक्सटेंडेड मैक्सिमम प्रिंसिपल अटेम्प्ट टाइम फॉर रजिस्टर, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, पहले आपको दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करना होगा एंड दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करने के बाद अपने मोबाइल से व्योम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। व्योम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के बाद आपको प्ले स्टोर से वापस व्योम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देन दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फाइनल दोस्तों आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों बॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वेरीफाई SMS एंड दोस्तों आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एंड दोस्तों भीम UPI का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। देन दोनों वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों प्रोसेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओके पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे रजिस्टर करने का प्रोसेस आ चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप है। यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग है एंड दोस्तों आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। जैसे कि आप दोस्तों आधार कार्ड से भी यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से रजिस्टर्ड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना है, जो भी डेबिट कार्ड का नंबर होता है। देन यहाँ पे डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट एंड दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड का ATM पिन एंड दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई बिगेस्ट वैल्यू, यहाँ पे कौन सा अंक जो है बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 954 दिया है तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा है, देन यहाँ पे 9 डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ATM का पिन, जैसे कि डेबिट कार्ड का पिन जो ट्रांजेक्शन पिन होता है आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल देता हूँ। फाइनल दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने देख सकते हैं सेट लॉगिन पिन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन पिन सेट करना है, जो आपको हमेशा याद रहे, कभी भी आप भूले ना, ठीक है। तो आपको ऐसा पिन डालना जो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन पिन फटाफट सेट कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपको लॉगिन पिन वही डालना है दोस्तों जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। देन यहाँ पे रिपीट 2 टाइम्स डालना है कंफर्म लॉगिन पिन। तो फाइनली आपको वापस पिन डालना है, जो भी आप पिन डालेंगे दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे पिन डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेड और लॉगिन पिन हैज सेट सक्सेसफुली। तो फाइनली यहाँ पे हमारा लॉगिन पिन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सेट करना है दोस्तों ट्रांजेक्शन पिन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन पिन सेट हो चुका है, प्रोसेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन आपको सेट करना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंटर 4 डिजिट पिन रिसीव थ्रू SMS, ठीक है। तो यहाँ पे एक OTP आएगा, आपको OTP डाल देना है, जो भी OTP आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको इनबॉक्स से OTP डालना, जो भी मैसेज आएगा OTP फाइनली यहाँ पे चेक कर लेंगे। देन यहाँ पे देखते हैं तो फाइनली यहाँ पे OTP आ चुका है 43 एंड दोस्तों 60, ठीक है। तो यहाँ पे 43 60 यहाँ पे आपको OTP डाल देना, मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। देन यहाँ पे दो बार आपको ट्रांजेक्शन पिन सेट करना है, सेट ट्रांजेक्शन पिन, कंफर्म ट्रांजेक्शन पिन। तो चलिए यहाँ पे सेट करते हैं फटाफट। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन पिन सेट कर देते हैं, जो भी हमें ट्रांजेक्शन पिन सेट करना है दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कंफर्म 2 टाइम्स यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आपको पिन डालना है। तो फाइनली कंफर्म पिन वापस हम डालेंगे। तो फाइनली यहाँ पे कंफर्म पिन डालने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन सक्सेसफुली
एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे अब आपको प्रोसेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपने लॉगिन पिन सेट किया वही पिन आपको डाल देना। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन पिन डाल देंगे। देन यहाँ पे लॉगिन पिन आपको डाल देना जो भी लॉगिन पिन आपने बनाया, ठीक है। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है। लोकेशन आपको अलाउ कर देना है। देन दोस्तों लोकेशन अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है अलाउ ऐप फॉर फिंगर प्रिंट ऑथराइज, ठीक है, क्या आप फिंगर प्रिंट के द्वारा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं। तो फाइनली हम नो करेंगे। देन यहाँ पे सिलेक्ट थीम, आप थीम सिलेक्ट कर सकते हो। फाइनली हम यहाँ पे कट कर देंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो व्योम एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे लॉग इन करके रजिस्टर करके यहाँ पे हमारा जो व्योम एप्लीकेशन है चालू हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों चालू हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना बैलेंस वगैरह पासबुक वगैरह हर एक चीज आप चेक कर सकते हो, क्रिएट यूपीआई आईडी भी कर सकते हो। तो फाइनली इस प्रोसेस से आप दोस्तों अपना जो भी लॉग इन प्रॉब्लम है सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 24 आवर्स दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 24 आवर्स जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों कि 24 आवर्स बाद ही आपको ट्राई करना है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको टोटली यहाँ पे कम से कम 24 आवर्स प्लस वेट करना है और व्योम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 24 आवर्स प्लस हो जाता है टाइम, तो उसके बाद ही आपको डाउनलोड करना है व्योम एप्लीकेशन को। और सेम प्रोसेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपका व्योम एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो यूजफुल लगी हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।